तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू निशास रेसिपी बुक। तो आज लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपने शायद ही कभी खाई होगी। तो आज हम बनाएंगे ना प्याज का अचार। जी हाँ, प्याज का अचार जो कि सारे अचारों को फेल करने वाला है और तुरंत बनता है और तुरंत ही खाने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा टेस्टी। हम आज अनियन का पिकल बनाएंगे और साथ में डालेंगे उसमें हरी मिर्च, जो कि पूरा अच्छा कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो ये ना बहुत ही छोटे साइज़ के प्याज है, जो मीडियम से भी छोटे प्याज होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो वाले प्याज लिए हैं मैंने। इनको अच्छे से धो के इनका मैं सारा पानी सुखा लिया था, अच्छे से ही इनमें पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इनको बीच से इस तरह से देखिए कट लगा लेंगे, चार मतलब कट लगेंगे इसमें। और साथ में लेंगे इस तरह से हरी मिर्च। हरी मिर्च ऑप्शनल है लेकिन प्याज के साथ में ना बहुत अच्छी जाती है, तो हरी मिर्च ज़रूर आप लीजिएगा। उनको भी अच्छे से धो के सुखा के बीच से इस तरह से चीरा लगा लेंगे, काट लेंगे हरी मिर्च को। और अभी इन सारी चीज़ों में डालेंगे नमक। तो 3 से 4 चम्मच इसमें मैं नमक डालूंगी। अच्छे से नमक डालिएगा, क्योंकि कोई भी अचार होता है ना तो उसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, और वैसे भी प्याज का जो अपना एक शार्पनेस होती है उसके टेस्ट में, तो नमक क्या करता है, उसको बैलेंस करता है। तो साथ में इसमें डालेंगे 2 नींबू मैंने लिए थे, उनको निचोड़ के उनका रस निकाला था, और उसको भी डाल देंगे मिर्ची और प्याज के बीच में। अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। नमक और नींबू होता है ना, वो ना जो प्याज के जो टेस्ट होता है ना, उसको बहुत बढ़ाता है। वैसे भी हम जब भी कभी प्याज खाते हैं तो उसमें हम डालते हैं। तो अभी क्या कर लेते हैं, अभी करते हैं अचार का मसाला तैयार। तो उसके लिए मैंने 1.5 चम्मच के करीब लिए है राई, 1 चम्मच लिए है मैंने मेथी दाना, 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है साबुत हरा खड़ा धनिया, और 2 चम्मच के करीब ही मैंने खड़ी हुई सूखी सौंफ ली है। तो इसको गैस पे ना हल्का सा रोस्ट करेंगे, जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। बस ये थोड़ा सा सौंधी सी इसमें खुशबू आने लग जाए, बस उतना ही हमने इसको मसाले को भूनना है। और ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे, और एक कोई भी तड़का पैन लेंगे, उसमें 1 कप के करीब हमने जो मस्टर्ड ऑयल लेना है, सरसों का तेल लेना है, और उसको अच्छे से गर्म कर लेना है धुआं निकलने तक, इतना गर्म कर लेना है हमने सरसों के तेल को। और दूसरी तरफ ये जो हमारा अचार का मसाला है ठंडा हो गया है, उसको डालेंगे मिक्सी के जार में और इस तरह से उसका एक पाउडर सा बना लेंगे। ये देखिए हमारा जो अचार का मसाला भी बनके तैयार हो गया है। तो बस फटाफट से लेंगे अपने नींबू और प्याज और मिर्चों को, और उसके अंदर डाल देंगे अपना सारा पिसा हुआ मसाला जो हमने अचार का मसाला बनाया था, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा और हम इसमें डालेंगे, जैसे रेड चिली डालेंगे 1 चम्मच भर के, मैंने इसमें लाल मिर्च डाली थी, कश्मीरी लाल मिर्च है ये, और 1/2 चम्मच के करीब इसमें मैंने कलौंजी डाली है, और हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब, और ये मैंने 2 चम्मच के करीब, 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने डाला है वाइट सिरका, वाइट विनेगर है ये, इसको भी मिलाएंगे इसके अंदर, और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा अचार का मसाला है, जो भी हमने इसके अंदर हल्दी नमक या फिर जो विनेगर डाला हुआ है, सारी चीज़ें अच्छे से जो प्याज है ना उसके अंदर मिक्स हो जाए। और ऊपर से अभी तक जो हमारा मस्टर्ड ऑयल था, सरसों का तेल था ना, वो भी ठंडा हो गया था, तो उसको भी मिला देंगे अपने प्याज के अचार के बीच में। तो ये देखिए कितना अच्छा ये देखने में ही लग रहा है। तो इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से इनको मिलाना है हमें। और लीजिए 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारा जो है प्याज का अचार बनके तैयार हो गया है, और इसको आप तुरंत भी खा सकते हैं, या फिर इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, और 15 दिन तक ये अचार बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला है, बशर्ते इसमें पानी टच नहीं होना चाहिए, पानी वाली चम्मच से मत निकालिए, इसको आराम से आप रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और बहुत टेस्टी लगने वाला है चटपटा सा हमारा प्याज का और मिर्ची का अचार। तो ज़रूर एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही जल्दी बनता है, और जो सिंपल आप प्याज काट के खाते हैं ना, उससे तो कहीं ज़्यादा डिलीशियस ये अचार है। तो अगर रेसिपी पसंद आई है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।